जिला हमीरपुर के डिडवी टिक्कर समराड़ा के निवासी सूबेदार देवेंद्र कुमार चकोत्रा ने चित्रकला में अपनी अलग पहचान बनाई है। उनके हाथों में ऐसा जादू है कि उनके द्वारा की गई चित्रकारी को देखकर हर कोई हैरान है। चाहे उनके द्वारा पत्थरों पर की गई चित्रकारी या पेंटिंग क्यों न हो, देवेंद्र कुमार का कहना है कि उन्होंने 24 वर्षों तक सिग्नल कोर में रेडियो वायरलेस सिस्टम और डाटा ऑपरेशन में काम किया है। सेना सेवा के दौरान चित्रकला के प्रति उनकी रुचि निखारने का समय नहीं मिल पाता था, लेकिन 2016 में सेना से बे सेवा निवृत्त हो चुके हैं, जिसके बाद वे अपने पारिवारिक दायित्वों को निभाते हुए अपनी चित्रकला को भी निखारने में लगे रहते हैं। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान ऐसी चित्रकला बनाई है कि जिसे देखकर हर कोई हैरान है। जो अपनी कलाकृतियां कैनवास पे और एक्रेलिक रंगों से प्रदर्शित करता हूं, तो आप निहारिए मेरी पहली कलाकृति महाकाल। महाराष्ट्र से शुरू करते हैं, भगवान महाकाल महादेव जो कि ताम्र नृत्य करते हुए सृष्टि का संहार करते हैं, ये मेरी कैनवास पे कलाकृति है। और इसी के साथ दूसरी कलाकृति जहां मैं बैठा हूं उसके पीछे है, ये आप देख सकते हैं, ये है गोवा का सनसेट, गोवा बीच का सनसेट। उसके साथ में एक नेचुरल सीन है, ये भी कैनवास पे है, ये फ्रेम कराया है। कैनवास इस प्रकार का होता है, ये एक शीट एक रोल में आता है, बड़ा सा होता है, हार्ड होता है, कॉटन कैनवास है। और इसको हम इसको फ्रेम करते हैं एक बोर्ड के साथ, बोर्ड के ऊपर मैंने फ्रेम कराया हुआ है, सॉलिड बोर्ड है, ये आप देख सकते हैं। अब इस पे कलाकृति बनाते हैं, जैसे एक छोटी सी मैंने बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, अभी कंप्लीट नहीं है, जिसको कंप्लीट करेंगे। ये ऑयल कलर है, ऑयल कलर ऑन कैनवास। ठीक इसी के साथ हमारी दूसरी कलाकृति है, यहाँ आप देखेंगे, ऊपर नजर डालिएगा, ये बोर्ड पे है। और ठीक इसी के साथ भगवान गणेश का सनातन परंपरा के अनुसार जो कैलेंडर में प्रदर्शित है वो हमने बनाए, ये भी कुछ सूक्ष्म रह गए हैं, इसके साथ ही लगते हुए कैनवास बोर्ड पे। ये एक प्रकृति का सुंदर सीन है, ये आप देख सकते हो, प्रकृति के एक ओंट में एक घर है और प्रकृति का सुंदर सीन।